दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी दोस्तों, सभी विकलांगों को मिलेगा विकलांग स्मार्ट कार्ड फ्री। जी दोस्तों, मोदी सरकार ने 2020 में अभी बड़ा ऐलान किया है कि सभी दिव्यांगों को विकलांग स्मार्ट कार्ड बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको विकलांग स्मार्ट कार्ड कैसे मिल सकता है, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में आगे आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके पास ये दिव्यांग स्मार्ट कार्ड है तभी आपको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, अगर आपके पास ये नहीं है तब आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप दिव्यांग स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हो। दोस्तों आपको बता दें, अब दिव्यांग को मिलेगा स्मार्ट कार्ड। बिजनौर दिव्यांग के लिए अच्छी खबर, अब घर बैठे ही विकलांग स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी दिव्यांगों को दिव्यांग स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। बार बार दिव्यांग को सीएम कार्यालय में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल से ही दिव्यांग अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद आवेदन को मैसेज आएगा, उसमें से मेडिकल टेस्ट का दिन और तारीख लिखी होगी। तिथि और पहुंचकर दिव्यांग अपने मेडिकल जांच कराएंगे और इसके बाद एक स्मार्ट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में दिव्यांगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। कुछ लोग दिव्यांग होते हैं तो कुछ दुर्घटना में घायल होने के कारण, दोस्तों आपको बता दें, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से काम करने की क्षमता नहीं होती उनके लिए शासन द्वारा प्रकार के दिव्यांग स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। दिव्यांग को इस कार्ड पर ट्रेन, बसों में फ्री यात्रा करने और पेंशन का लाभ मिलना शामिल है। यदि विकलांग 40% से 80% तक दिव्यांग है तो वह ट्रेन और बस पे फ्री यात्रा कर सकता है। 80% से 100% विकलांग हेल्पलाइन को भी करीब 50% की छूट दिया जाता है। दोस्तों आपको पता है, जिले में करीब 36,000 विकलांग हैं, इसमें से करीब 7,000 बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जाते पहले दिव्यांगों को स्वयं कार्य के आकर फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया के शासन के तहत बदलाव किया गया है। अब दिव्यांग घर बैठे ही मोबाइल से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तिथि को सीएम कार्यालय के पहुंचकर मेडिकल जांच करवाने के बाद दिव्यांग स्मार्ट कार्ड दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको दिव्यांग स्मार्ट कार्ड बनवाने की, तो 2020 में सरकार ने सभी दिव्यांगों को फ्री स्मार्ट कार्ड देने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समझ गया, इसके लिए आपका